सो गाइस चलो आज बनाते हैं चिली चिकन का ग्रेवी। तो आप लोग देखिए कि चिली चिकन ग्रेवी बनाने का सही तरीका क्या है, बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल का जैसा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। सो गाइस ये हमारा रिफाइन ऑयल है, ये है चॉप जिंजर, ये है चॉप गार्लिक। जिंजर गार्लिक को हम 10 सेकेंड सॉल्ट करेंगे, ज़्यादा बर्न नहीं करना है, बस हल्का सा सॉल्ट करना है। तो हम जिंजर गार्लिक को 10 सेकेंड सॉल्ट कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे सैरली स्टिक। अब हम डालेंगे डाइस ऑनियन, ये हमारा जा रहा है ग्रीन कैप्सिकम, ये हमने थोड़ा सा चॉपिन ऑनियन लिया है, ये हमारा ग्रीन चिली है जो कि डाइस कटिंग में कर लिए हैं। तो गाइस हम इसको थोड़ा देर के लिए सॉर्ट कर लेंगे, ज़्यादा सॉर्ट नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा नरम होना चाहिए। तो गाइस ऑनियन और कैप्सिकम को थोड़ा सा हम नरम कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम 10 सेकेंड सॉल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखना है, लो फ्लेम में ना बनाएं, बिल्कुल हाई फ्लेम में बनाएं चिली चिकन। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम 10 सेकेंड सॉल्ट कर लिए हैं। अब डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर थोड़ा कलर आने के लिए। ये हमारा चिली पेस्ट है, आपके पास नहीं है तो ओनली चिली पाउडर डालें। सो गाइस हम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। तो गाइस ये हमारा जा रहा है डार्क सोया सॉस। सो गाइस हम मसाला को 30 सेकेंड सॉल्ट करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे स्टॉक वाटर। सो गाइस हम मसाले को 30 सेकेंड सॉल्ट कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे स्टॉक वाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम फिर मसाला ऐड करेंगे। सो गाइस हमारा उबाल आ चुका है, अब इसमें टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब व्हाइट पेपर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा हम शुगर डालेंगे सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को धीरे धीरे डालें, एक ही बार में ना डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के टाइम में आप थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें और कॉर्नफ्लावर को धीरे धीरे ही डालना है। अगर एक ही बार में डाल दीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा, ढीकली ढीकली बन जाएगी, इसलिए कॉर्नफ्लावर को धीरे धीरे डालें। अब डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटो केचप, हम थोड़ा सा डालेंगे व्हाइट विनेगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ग्रेवी हो चुका है ऑलरेडी डन। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। ये हमारा स्प्रिंग ऑनियन आ गया। और अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।